हेलो दोस्तों, मैं नेहा भंडारी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नेहा कुकिंग स्टाइल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लौकी की बर्फी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, लौकी की बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो लौकी ले ली है। लौकी को इस तरीके से हमने छील लिया है, छिलर की सहायता से इस तरीके से इसको छील लेना है। इस तरीके से दोनों लौकी को हम छील लेंगे और इस तरीके से इसको छीलने के बाद चार पीस में हमने काट लिया है और इसको कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से इसको कद्दूकस कर लेना है, जिस तरीके से हमने लौकी के हलवे के लिए किया हुआ था। जिसने हलवे वाली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने लौकी कद्दूकस कर ली है। हमने इस पूरी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। तो दोस्तों, कद्दूकस करने के बाद लौकी का पूरा पानी जो है रिमूव कर लेना है। दोनों हाथों की सहायता से इसके पानी को हमें रिमूव कर लेना है। इस तरीके से हम सारा पानी निकाल लेंगे। इस तरीके से सारा पानी को निकाल लेना है और एक अलग बाउल में रख लेना है इसको। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लौकी का सारा पानी रिमूव कर लिया है और इसको एक अलग बाउल में रख लिया है इस तरीके से। और अब हम गैस पर कढ़ाई रख लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल लेंगे। इस तरीके से इसमें घी डाल लेना है। आप चाहे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इस तरीके से घी को हमें गर्म होने देना है। घी को हम गर्म होने देंगे। तो दोस्तों, घी गर्म होने के बाद हम इसमें कद्दूकस की हुई लौकी को ऐड कर लेंगे। इस तरीके से इसको हम ऐड कर लेंगे इसमें और इसको कर्चे की सहायता से चलाते जाएंगे। इस तरीके से इसको कर्चे की सहायता से चलाते जाना है। इसको चलाते जाएंगे ताकि हमारी लौकी जो है वो कढ़ाई पे नीचे ना लगे। इसको कच्ची की सहायता से हमें चलाते जाना है इस तरीके से। दोस्तों, उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे आधे बाउल करीब में। आप शुगर अपने टेस्टी के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। शुगर ऐड करने के बाद इसको कच्चे की सहायता से चलाते जाना है ताकि शुगर जो है लौकी में अच्छे से घुल जाए। इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से इसको चलाते जाना है। तो दोस्तों, उसके बाद हम इसमें 1 गिलास दूध डाल लेंगे। दूध डालने के बाद इसको हम कड़छी की सहायता से चलाते जाएंगे। इस तरीके से इसको चलाते जाना है। तो दो से चार मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको बीच बीच में चेक करते जाएंगे। इसको कड़छी की सहायता से चलाते जाएंगे ताकि हाँ बैटर जो है वो नीचे ना लगे। इस तरीके से इसको कड़छी की सहायता से चलाते जाना है और इसको 2 से 3 मिनट के फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि इसका दूध ना सूख जाए और इसमें 2-4 कली केसर की ऐड कर लेंगे। इस तरीके से इसको भी चलाते जाएंगे
केसर से जो है ताकि हमारे बर्फी में अच्छे से कलर आ जाए। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को इस तरह से छोटे छोटे पीस में हम काट लेंगे, इनको छोटे छोटे पीस में काट लेना है। इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट को छोटे पीस में हम काट लेंगे। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट को हमने इस तरीके से काट लिया है। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है खोया। खोया को हम कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से पूरे खोए को कद्दूकस कर लेना है। तो दोस्तों बीच बीच में हमें लौकी के बैठे को भी चेक करते रहना है ताकि ये जो है नीचे ना लगे कढ़ाई पे। तरीके से इसको कच्ची की सहायता से चलाते जाना है। तो दोस्तों ये बैटर अंडे हो गए हैं रेडी। हम इसमें ड्राई फ्रूट सेट कर लेंगे। तरीके से इसमें ड्राई फ्रूट सेट कर लेना है और इसको कच्ची की सहायता से मिक्स कर लेना है ताकि ये सही से मिक्स हो जाए। इस तरीके से इसको चलाते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा खोया भी कद्दूकस करके हो गया रेडी। इसके साथ देख सकते हैं हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। इसमें हमें आधा खोया ऐड कर लेना है। जितना हमने कद्दूकस किया हुआ था उसका आधा भाग इसमें ऐड कर लिया है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से कच्चे के साथ साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों मिक्स करने के बाद इसको इस तरीके से एक थाली में हमें रख लेना है और पूरी थाली में इसको फैला लेना है। इस तरीके से चम्मच की सहायता से इसको पूरी थाली में इस तरीके से हम फैला लेंगे। इस तरीके से इसको पूरी थाली में फैला लेना है। इस तरीके से इसको चारों ओर से हमें बराबर कर लेना है। इस तरीके से इसको फैलाने के बाद हमें 1 से 2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में डाल देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये हमारा डीप फ्रीजर होके निकल चुका है। इस तरीके से हमने इसको 1 से 2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में डाल दिया और हम इसमें खोया ऐड कर लेंगे। आधा बचा हुआ खोया इसमें ऐड कर लेंगे और इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे इस तरीके से और इसको स्पून की सहायता से बराबर कर लेंगे। इस तरीके से और उसके बाद हम इसको चाकू की सहायता से कट करेंगे इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। हमें बर्फी ही पीस को कट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी बर्फी बनके रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।